अमित जी पिछले 27 सालों से गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मत डालती आई है इस बार कह रहे हैं कि एक तीसरी पार्टी भी जो है आम आदमी पार्टी उसने भी जो है अपना अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बनाई है कैसे देखते हैं आप क्या इस बार ये लड़ाई त्रिकोणी है देखिए आपने आपके यहाँ पर काम करने वाले जर्नलिस्टों से चर्चा किया होता तो शायद ये सवाल अलग तरीके से पूछते ऐसा नहीं है कि हर बार कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला बीच में केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई इसके बीच में शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी बनाई उसके पहले चले जाए भाजपा जीतने के पहले तो चीमन भाई पटेल जो राजनीति के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति माने जाते हैं और जिनकी जनस्वीकृति भी काफ़ी थी एक जमाने में उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई गुजरात ने कभी भी तीसरी पार्टी के Concept को एक्सेप्ट नहीं किया है गुजरातियों का स्वभाव है सबकी सुनते हैं अब सुनने के कारण किसी के मन में भ्रांति हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूं डिब्बे खुलने दीजिए परिणाम बहुत स्पष्ट आने वाला है